हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ क्लास टेंथ की जो आपका एंड साइंस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, जो आपकी उस बुक से चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उस बुक के जो है क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको पता भी है क्या होती है, तो साइंस की है, उसके जो है कई सारे जो है क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो हम जो है आज वो जो है आपको जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। आप वीडियो को पॉज करके हर इक्वेशन लिख सकते हैं, वरना ना वैसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर ना निकला जाए तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और कई बार जो है इनमें से क्वेश्चन जो है आ भी जाते हैं एज इट इज। तो स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को अपने माइंड में जो है सोच सकते हैं, लिखना जाए तो कोई क्वेश्चन आपको लगता है अभी भूल जाऊंगा मैं तो लिख भी सकते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस भी हो जाइए, अभी क्या पता आगे जाके कोविड-19 के ज्यादा केसेस हो गए तो क्या पता सीबीएसई जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न ले ले, तो कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकते। आप दोनों की जो है प्रैक्टिस करते रहिए, तो जो है हर एक क्वेश्चन आप जो है कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में रिकॉल कीजिएगा। और जो आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ भाई मैं भूल सकता हूँ इस क्वेश्चन को, आप जो है उसको जरूर लिख लीजिएगा। तो ये देखिए कई सारे क्वेश्चन, अभी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इनके आंसर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं, जैसे कि आपको पता लग जाएगा कि आपने जो सोचा या फिर लिखा होगा यहाँ पे जो भी किया होगा आपने सही है या फिर नहीं। तो आपको जो वैसे एमसीक्यूज करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है नॉलेज होगी, भले ही ना एग्जाम में ना आए एमसीक्यू, बट फिर भी नॉलेज हो जाएगी, एमसीक्यू या जो है जरूर आएगी, तो कुछ नहीं पता आ भी जाए एमसीक्यू अगर ऑब्जेक्टिव हो गया तो। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपको वर्ड जो है कैसा चाहिए पैटर्न, सीबीएसई कैसा पैटर्न रखती है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। सो आप जो है लिख लीजिए सारे क्वेश्चन या फिर माइंड में रिकॉल कर लीजिए, मैं जो है आराम आराम से जो है नीचे चल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जरूर करिएगा इनको। और मैं इसी तरह जो है मैंने जो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो है डाले हुए हैं, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा, या फिर आपको कोई और चैप्टर के चाहिए तो वैसे तो मैं डालने वाला हूँ, बट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पहले उस चैप्टर के ही डाल दूंगा। अगर आपको कोई चाहिए या फिर कोई और सब्जेक्ट की चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। वैसे तो मैं लाने वाला हूँ सब, बट आपको जो है जो पहले चाहिएगा तो मैं आपको वो पहले प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड को देखना है तो आप जो है वीडियो को जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर देखिएगा। तो जो आप ये क्वेश्चन को आई होप आप जो है माइंड में कर रहे होंगे या फिर लिख रहे होंगे, तो आप जो है ज़रूर कीजिएगा इन क्वेश्चन को। तो आई होप आपने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया होगा, तो इसमें से वैसे भी कुछ कटा तो हुआ नहीं है, कार्बोनेट्स कंपाउंड का तो मेन कटा ही हुआ था, बट मैंने कहा था आप कर लीजिए अगर आपने चैप्टर करा हुआ है फुल, अगर आप केमिस्ट्री लेने वाले हैं आगे, मतलब आगे मेडिकल या नॉन मेडिकल लेने वाले आपने किया होगा, तो आप जो है सारे जो है चैप्टर को भी कर सकते हो। तो मैंने सारे क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए थे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, भले ही जो कटा हुआ वो भी मिल जाएगा आपको, तो आप पढ़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ तो आप फिलहाल जो है इस चैप्टर 5 का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है सब्जेक्टिव पैटर्न वैसे है आपका, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव पे 70% आप मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा, 30% ऑब्जेक्टिव पे, ये है ना कि लास्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो अगर ऑब्जेक्टिव हो गया तो आप साथ साथ में दोनों की कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कोई और चैप्टर की अगर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो आप जो है लिख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस का, फिर माइंड में रिकॉल कर लीजिए, तो आप जो है ज़रूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। मैं आराम आराम से नीचे चल रहा हूँ, बस वैसे खत्म होने वाले, अब शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब लॉन्ग क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करूँगा इनके आंसर्स प्रोवाइड करने वाले, अपने आप जो है अपने माइंड में जो है इनको जो है रिकॉल कर सकते हैं, तो आप जो है कर लीजिएगा। वैसे इजी चैप्टर भी है ये, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। मैंने आपको जो है ग्रुप्स जो है उसमें दिए हुए हैं, जो पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ये वैसे आपके सारे नहीं है, दो ही ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे आपके, तो आप जो है उनको याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप जो है उनको भी जरूर कीजिएगा लर्न वो टेबल को। तो जो है आप इनको जो है लिख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं खत्म, आप जो है इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आ भी सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है आपको, वैसे पक्का नहीं है बट आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ही जो है बोर्ड के थ्रू इश्यू कराया जाता है ये, तो आप जो है ये लिख लीजिएगा जरूर इनको, या फिर माइंड में रिकॉल कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आंसर इनके आंसर जो है जरूर लेके आऊँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी, तो साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ख़त्म हो गए।